नमस्कार, बाजार विश्लेषक में आपका स्वागत है। इंडेक्स फंड के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे गिरावट के समय एडिशनल परचेज करके आप ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। उस वीडियो में मैंने एक सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में भी बताया था कि जब भी बाजार में 5, 7 और 10% की गिरावट हो तब आप और भी पैसा इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। पार्ट टू के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करके आप सीधा 10% की गिरावट पर एंट्री कर सकते हैं, यानी अब आपको 10% सस्ते रेट पर NAV मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, सिखाने के लिए तो मैं हूँ ही। इस स्ट्रेटजी को मैं चार्ट के ऊपर समझाऊंगा, तो यदि आपको चार्ट की बेसिक जानकारी नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले पार्ट 3 के वीडियो में इसे मैं कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। इसमें मैंने लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया है, इंडिकेटर मूविंग एवरेज को लिया है। ये पिंक लाइन 25 दिन के मूविंग एवरेज की लाइन है और ये ब्लू लाइन निफ्टी के प्राइस को इंडिकेट करता है, यानी निफ्टी के प्राइस के मूवमेंट को दर्शाता है। अब ध्यान से समझिएगा, अब जैसे ही ये प्राइस वाली ब्लू लाइन पिंक लाइन के नीचे आ जाए आपको सतर्क हो जाना है कि अब बाजार में गिरावट हो सकती है और आपको खरीदारी के मौके मिल सकते हैं। प्राइस लाइन का पिंक लाइन के नीचे चले जाना इस बात को बताता है कि अब बाजार में गिरावट होगी। तो जहां पर भी आपको ये संकेत मिले उसके पहले बाजार ने जो भी हाई लगाया है वहां एक लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। ये लाइन मैंने यहां पहले से ड्रॉ कर दिया है। अब इस लाइन से 10% नीचे एक दूसरी लाइन आपको प्लॉट करना है। ये 10% नीचे की एक दूसरी लाइन मैंने प्लॉट कर रखी है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 5% और 7% की लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। अब जब तक प्राइस की ये लाइन पिंक लाइन के नीचे है तब तक बाजार में गिरावट होती रहेगी, तो आपको सिर्फ इंतज़ार करना है। जैसे ही आपके लेवल के आसपास निफ्टी आए आपको खरीदारी कर लेना चाहिए। प्राइस की लाइन का पिंक लाइन के ऊपर चले जाना इस बात को दर्शाता है कि अब बाजार में खरीदार लौट रहे हैं। ये देखिए, यहाँ ब्लू लाइन बार बार ये कोशिश करता है कि वो पिंक लाइन के ऊपर चला जाए और जब फाइनली क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो बाजार में तेजी लौट आती है। तो यदि आपने 10% की लाइन के आसपास खरीदारी नहीं की है तो आप कम से कम तो इस जोन में खरीदारी कर ही लीजिए। तो ये देखा आपने कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। जब ये ब्लू लाइन पिंक लाइन के नीचे आ जाए तो आपको सतर्क हो जाना है और जहाँ ये संकेत आपको मिला है, जहाँ ये सिग्नल आपको मिला है उसके ठीक पहले का जो भी हाई रहा हो वहाँ एक लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है, उस लाइन से 10% नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और इंतज़ार करना है। धीरे धीरे गिरावट होगी और जब प्राइस 10% के आसपास आ जाए तो आपको खरीदारी कर लेना है। चलिए अब इस स्ट्रेटजी को इसी चार्ट पर बैक टेस्ट करके देख लेते हैं कि सही में ये काम करता है या नहीं। तो पहला एग्जांपल तो आपने यहाँ देख लिया, दूसरा एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे। यहाँ गिरावट हुई है तो अब इस लाइन को मैं यहाँ लाकर रख देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 10% की गिरावट यहाँ नहीं हुई है, तो इस गिरावट में आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से गिरावट शुरू हुई तो हम इस लाइन को यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ठीक 10% नीचे हमें दूसरा लाइन ड्रॉ करना है। तो आप यहां देख सकते हैं कि गिरावट यहां से शुरू हुई और हमने उसके पहले बाजार ने जो भी हाई लगाया था वहां एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन से 10% नीचे एक दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको सिर्फ इंतजार करना है।
धीरे धीरे गिरावट होने के बाद जैसे ही निफ्टी 10% की लाइन के आसपास आए आपको खरीदारी कर लेना है। या तो आप यहाँ खरीदारी करेंगे या फिर इस जोन में आप खरीदारी कर सकते हैं जब ये ब्लू लाइन पिंक लाइन के ऊपर जाने की कोशिश करने लगे। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं ये स्ट्रेटजी बिल्कुल काम करता है। आगे चलते हैं, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया, इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। यहाँ गिरावट शुरू हुई और बाजार ने पीछे जो भी हाई लगाया था वहाँ आपने लाइन ड्रॉ कर दिया। इस लाइन से 10% नीचे दूसरा लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ भी ये स्ट्रेटजी परफेक्टली काम कर रहा है। ये चौथा एग्जाम्पल हो गया। अब ये पांचवा एग्जाम्पल है आपके सामने। यहाँ से बाजार में गिरावट शुरू हुई तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर, और वो लाइन ये है। अब इससे हमें 10% नीचे दूसरा लाइन ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 10% की लाइन को भी प्लॉट कर दिया है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी परफेक्टली काम कर रहा है। तो हमने पांच एग्जाम्पल देखे, पांच में एक एग्जाम्पल में सिर्फ 5% की गिरावट हुई थी और बाद बाकी चार में लगभग 10% या 10% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिला है। तो आप यहाँ 10% सस्ते रेट पर खरीदारी कर सकते हैं। तो अब आपके मन में कई सवाल आएंगे कि यहाँ भी गिरावट हुई, यहाँ भी गिरावट हुई, यहाँ भी गिरावट हुई। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखेंगे ये सब गिरावट को आप इग्नोर करना सीख जाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग भी आपने देख लिया, अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। SIP के साथ इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा क्योंकि कई बार बाजार में 6 से 8 महीने तक लगातार तेजी का दौर रहता है। इस दौरान इंडेक्स आपको काफी अच्छा रिटर्न देगा, तो ये मौका हाथ से ना निकल जाए इसके लिए SIP तो होनी ही चाहिए। बाजार में जब भी गिरावट का दौर शुरू होता है तो उस पॉइंट से लेकर आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है, कई बार 2 से 3 महीने का वक्त भी लग जाता है। तो इसके लिए रोज रोज चार्ट खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल या ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब बाजार में 10% की गिरावट हो गई है, आकर खरीदारी कर लीजिए। प्राइस अलर्ट कैसे सेट करना है इसको मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। 29 नवंबर को बाजार ने इस लेवल पर क्लोजिंग दी है। अभी आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन पिंक लाइन के ऊपर है, तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेट करना है क्योंकि गिरावट के कोई भी संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं। जो इंडेक्स फंड की SIP है उसे चलने दीजिए। जो लोग पहली बार चार्ट देख रहे हैं उनके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि चार्ट कहां से मिलेगा, कैसे ओपन करना है, इंडिकेटर कैसे प्लॉट करना है, प्राइस अलर्ट कैसे लगाना है। ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। पार्ट 3 के वीडियो में बेसिक्स होंगे और पार्ट 4 के वीडियो में एडवांस लेवल की बातें होंगी। इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि 10% एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपको कुछ मेहनत तो करना ही होगा। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते या फिर उनके पास समय की कमी है, वे लोग 5, 7 और 10% वाली स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।